हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में, जिसके माध्यम से हम आपको शेयर करने वाले हैं कि अपलोड के बारे में, जो कि आपके चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट एप्लीकेशन में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगर बात करें CELC का, तो आप किसी का भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं और 1 से 5 साल का बच्चों का नया आधार कार्ड का इनरोलमेंट कर सकते हैं, केवल आप CELC एप्लीकेशन के माध्यम से। नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपके CELC में अपलोड का सेक्शन दिया है, वो कैसे वर्क करता है। देखिए, यहाँ पर दिया है, दिस फंक्शन इज यूज टू अपलोड द डाटा एंड सेंड इट टू CIDR, जिसे हम UIDAI का डाटाबेस भी बोलते हैं। ओनली फॉर दोज पैकेट्स विच हैव नॉट बीन अपलोडेड ड्यूरिंग इनरोलमेंट। जैसे कि मान लीजिए, आप किसी इनरोलमेंट कर रहे हैं और उस समय कोई उनका डाटा जो आपके पास अवेलेबल नहीं था, इनरोलमेंट के टाइम आपने उसे पुटअप नहीं किया, तो ईजिली आप अपलोड के जरिए आप उनका जो भी डाटा है यहाँ से CIDR को सेंड कर सकते हैं, केवल अपलोड के माध्यम से। आइए देखते हैं कैसे यह वर्क करता है। पहले हम चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ऑपरेटर आधार पुटअप करेंगे और जो ऑपरेटर होंगे उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करेंगे। नेक्स्ट सबमिट कर देंगे। देखिए, आपके चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट एप्लीकेशन का होम स्क्रीन ओपन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, दिया हुआ है अपलोड। नेक्स्ट हम अपलोड को सेलेक्ट करेंगे। देखिए, ओपन हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है इनरोलमेंट पैकेट्स और साइड में दिया हुआ है अपलोड। नेक्स्ट यहाँ पर अपना इनरोलमेंट पैकेट डालेंगे, जिसमें जो भी डाटा आपको अपलोड करना है, उसके बाद अपलोड पे क्लिक करके ईजिली जो भी रिक्वायर्ड स्टेप है उसे फॉलो करके आप किसी का भी डाटा अपलोड कर सकते हैं, केवल उनके इनरोलमेंट पैकेट्स के माध्यम से। देखिए, मेरे पास ऐसा कोई अनयूजुअल डाटा नहीं है जो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा सकूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।